भारत समेत पूरे दुनिया में बढ़ रहा प्रदूषण परेशानी का सबब बन चुका है। यह प्रदूषण लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्रदूषण से 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। हवा में मौजूद सूक्ष्म प्रदूषित कणों की वजह से हर साल 10 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो रही है। हवा में घुले ये जानलेवा कण सांस के जरिए आसानी से शरीर में पहुंचते हैं, फिर खून के साथ मिलकर दूसरे अंगों को प्रभावित करते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त लोगों की कई समस्याओं में से एक बड़ी समस्या प्रदूषण भी बन चुका है। जहां हम देख रहे थे दिल्ली एनसीआर की भी अगर हम बात करते हैं तो बीते कुछ समय ठंडियों के समय की भी अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषण काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। लैंसेट की तरफ से एक शोध किया गया है जिसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में हर साल 10 लाख के करीब लोगों की प्रदूषण की वजह से मौत हो जाती है। आम लोगों को प्रदूषण की वजह से अमूमन हर रोज ही कहीं ना कहीं हम देखते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम से एलर्जीज का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं PM 2.5 या फिर PM जो हम देखते हैं पार्टिकुलेट मैटर्स है वो शरीर के अंदर घुसने के बाद काफी समय तक हम देखते हैं कि शरीर के अंदर जाने के बाद वो किस तरीके से लोगों को बीमार करता नजर आ रहा है। बहुत समय ऐसा होता है कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके साथ साथ जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लाइफस्टाइल के ऊपर भी प्रदूषण का एक बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि अब ये एक समस्या की तरह इसको डील करना चाहिए और इसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस जो है वो बनाए जाने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगली पीढ़ी के लिए भी प्रदूषण है एक बड़ी समस्या बनकर उभर सकता है। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली। मैंने अपने आसपास प्रदूषण की वजह से अस्थमा और एलर्जी के केसेस बढ़ते हुए देखे हैं, स्पेशली बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस जो सर्दी होती है एलर्जी की वजह से होना वो सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए देखा है। मे बी वो अभी मैंने भी एक जगह पे पढ़ा था कि ऐसे बोल रहे हैं कि जितना स्मोकिंग हमको लंग कैंसर के लिए चाहिए उतना पोल्यूशन दिल्ली में देखने को मिलता है। जो PM 2.5 पार्टिकल्स हैं ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो रहे हैं तो इनसे होने वाली समस्याओं में सबसे पहले लंग्स इन्वॉल्व हो, और जिन लोगों के लंग्स ऑलरेडी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जैसे कि जो बच्चे जो प्री मैच्योर्ड होते हैं उन लोगों के लंग्स थोड़े वीक होते हैं, तो ऐसे लोगों में प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। इनसे बचने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, मास्क पहन के निकलें।